और दोस्तों, आज ही मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, उसमें हम चर्चा करेंगे कि अब से कुछ ही घंटे बाद जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और हरेक राशि के लोगों को, यानी मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, भारतीय समय के अनुसार आज यानी कि 5 मई 2023 को 8:45 शाम को चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और ये 1:02 तक रहेगा। 6 मई 2023 को 1:02 तक ये रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा है आज, वैसाख की पूर्णिमा है। यह संयोग 130 साल बाद बन रहा है कि वैसाख की पूर्णिमा वाले दिन, यानी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लग रहा हो। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, उस पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान जहां तक हो सके कोई चीज ना खाएं, खाने का थोड़ा परहेज रखे। खाना वगैरह 8:45 से पहले ही आज खा ले तो अच्छा रहेगा। मगर जो बच्चे हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कोई वहम नहीं है, उनको कोई मनाही नहीं है, वो किसी भी समय भोजन पदार्थ खा सकते हैं। भोजन पदार्थ खास करके जो पके हुए भोजन पदार्थ हैं, उनमें तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए, ताकि ग्रहण के बाद भी हम उनका सेवन कर सके। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि उतनी ही चीज पकाएं जो ग्रहण से पहले ही समाप्त हो जाए, हम उसको कंज्यूम कर लें ग्रहण लगने से पहले ही। बाद में पका हुआ भोजन ग्रहण लगने से जो पहले पकाया है, वो ग्रहण लगने के बाद ना खाएं तो अच्छा रहेगा। जब भी ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो जाती है। इसी के लिए हमको क्या करना चाहिए कि ग्रहण के समय गायत्री मंत्र का जाप कर लें, या आपके गुरु ने कोई भी मंत्र दिया है उसका जाप कर लें, या किसी भी इष्ट देव में आपकी श्रद्धा है उनके आप ध्यान कर लें पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले समय में आपको बीमारियों से बचा कर रखेगा। ग्रहण के समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये भी आने वाले समय को व्यक्तियों को बीमारी से बचा कर रखता है। अब गर्भवती महिलाओं की बात कर लें, उनको ग्रहण के समय थोड़ा खास ध्यान रखना होता है। उनको किसी भी सूरत में ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए। वैसे आज जो ग्रहण लगेगा वो भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दृष्ट नहीं होगा, लेकिन इसका असर भारत के लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो रात को 8:45 के बाद बाहर कम निकले, हो सके तो घर के अंदर रहें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं चाकू, सुई या और कोई जो वस्तु तीखी होती है, काटने के काम आती है, जैसे कैंची वगैरह होगी, इसका प्रयोग ना करें ग्रहण के समय के दौरान। सूतक तो आज है ही नहीं, क्योंकि भारत में ये दृष्टि नहीं हो रहा। ग्रहण के समय के दौरान सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ग्रहण के समय के दौरान घर में लॉक नहीं लगाना चाहिए। जो जिंदा होता है, ताला होता है, वो घर को नहीं लगाना चाहिए, या किसी भी अलमारी वगैरह को लॉक नहीं लगाना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान आदि कर सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि आज रात को खत्म हो रहा है, इसलिए आप सैटरडे मॉर्निंग भी सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छींटा दे देना चाहिए। अब राशियों पर चर्चा कर लेते हैं। इस ग्रहण का मेष से लेकर
मीन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए चंद्र ग्रहण में जो मेन प्लेनेट भूमिका निभाते हैं, जो मेन प्लेनेट देखे जाते हैं, वो तीन ही होते हैं, एक तो चंद्र, एक राहु और एक केतु। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य चंद्र एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो राहु, चंद्र और केतु ये तीन प्लेनेट देखकर, ये तीन ग्रह देखकर ही राशिफल बनाया जाता है चंद्र ग्रहण के समय के दौरान। तो चंद्रमा तुला राशि में चल रहा है इसके और केतु इसके साथ है, तो इसके आधार पर ये राशिफल बना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। व्यापार में वृद्धि होगी इनको, साझेदारी में लाभ होगा, संतान की ओर से सुख समाचार सुनने को मिलेगा, धन का लाभ होगा। हाँ, इनका मन में कोई व्यर्थ डर रह सकता है, क्योंकि मन का कारक थोड़ा खराब हो गया, मन में कोई व्यर्थ का डर रह सकता है। इनको पेट के रोगों का ध्यान रखना चाहिए और बाहर के खाने से बचना चाहिए, जितना हो सके घर से बना हुआ भोजन खाएं अगले 45 दिन तक। अगली राशि पर चर्चा करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि को व्यर्थ की बहसबाजी से बचना चाहिए, किसी से भी व्यर्थ की बहसबाजी ना करें। इनको वाहन का सुख प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, अचानक रुका हुआ धन मिल सकता है, कोई इनका धन फंसा हुआ है वो इनको मिल सकता है। अगली राशि पर आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का भाग्य साथ देगा, शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुख से रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे, मगर इनको प्रेम संबंधों से बच के रहना चाहिए। ऑपोजिट सेक्स से अगले 45 दिन तक दूरी बनाकर रखनी है। मिथुन राशि वाले लोगों को खास सलाह दी जाती है कि अगले 45 दिन तक ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूरी बनाकर रखें। आगे है कर्क राशि। कर्क राशि सभी सुखरूप होते हुए भी मन बहुत शांत रहेगा, मन भटकेगा आपका, जैसे कहते हैं ना बेचैनी सी लगी रहती है, वैसा होगा आपके साथ। रिश्तेदारों से संजोग मिलता रहेगा, अच्छा मिलता रहेगा, मगर थोड़ी अनबन भी रहेगी, रिश्तेदारों से थोड़ी अनबन भी मानसिक शांति का कारण बन सकती है। वाहन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अगले 45 दिन तक कोई बड़ा डिसीजन ना लें और अगले 45 दिन तक हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करते रहें, जैसे चावल हो गया, दूध हो गया, इस तरह की वस्तुओं का दान करते रहें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, जश की वृद्धि होगी, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको अच्छा रोजगार मिल जाएगा, कोई अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर जाएंगे वो, संतान की ओर से भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इनको सलाह दी जाती है कि इस समय के दौरान कोर्ट केस से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, बचे रहें, कहीं झुकना पड़े तो झुक जाए, वरना इस समय में हुआ कोर्ट केस लंबा चल सकता है, लंबे समय तक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। कन्या राशि। सभी कामों में सफलता मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा, अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से आप अपना काम करोगे। अचानक धन लाभ व प्रॉपर्टी लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है तो वो भी सुलझ सकता है, उसमें आपको लाभ हो सकता है। जो लोग अनुसंधान के कार्य में है, रिसर्च के कार्य में है, या अकाउंट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको विशेष तरक्की होने के चांस बनेंगे। तुला राशि। जिस राशि में ये ग्रहण आज लग रहा है, जिस राशि में चंद्रमा स्थित था, तुला राशि पैसे धन आदि की वृद्धि होगी, पैसा धन प्रॉपर्टी किसी चीज की कमी नहीं होगी, पर मन बहुत शांत रहेगा, जिन पर भरोसा किया वही
दिल दुखाएंगे, भरोसा तोड़ेंगे। इस समय के दौरान किसी को कोई रिएक्शन ना दे, कोई आपसे थोड़ा ऊंची आवाज में बात करे तो उसको भी कोई रिएक्शन ना दे। अगले 45 दिन तक बिल्कुल शांत रहें, मेडिटेशन वगैरह जितनी हो सकती है करें, और अगले 45 दिन तक गरीबों को खीर खिलाएं और उनको सफेद वस्त्रों का दान करें। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों की फिजूल का खर्च बढ़ सकता है, परिवार में बीमारी आ सकती है, परिवार के किसी सदस्य को बीमारी आ सकती है, या खुद को के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है, खुद का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, वाहन धीरे चलाएं, अगले 45 दिनों तक कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगले 45 दिन तक शिव जी के मंदिर में जल अर्पण करें और सोमवार को सफेद वस्त्रों का दान करें। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक, भाग्य के बल पर आपके कई कार्य सिद्ध होंगे, जो काफी समय से कार्य रुके हुए हैं अब अपने आप ही भाग्य के बल पर बन जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। धन में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, इनकम के नए स्रोत बनेंगे। अगर नया कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई साइड बिजनेस करना है तो शुरू कर लें। समय शुभ है, इस समय के दौरान शुभ समाचार प्राप्त होंगे। हाँ, संतान के कारण थोड़ी चिंता रह सकती है, अपनी संतान से दोस्तों के जैसा व्यवहार करें। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों की नौकरी में तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र में पूरी एनर्जी के साथ आप काम करेंगे। अगर बॉस से रिलेशन खराब चल रहे हैं तो उसमें भी सुधार होगा, आपका बॉस भी आपके पक्ष में आ जाएगा। बच्चों की शादी पेंडिंग है, नहीं हो रही तो रिश्ता हो जाएगा या शादी हो जाएगी। घर वाहन आदि खरीदना है कि तमन्ना चल रही है दिमाग में, नहीं पूरी हो रही तो इस समय के दौरान वो तमन्ना आपकी पूरी हो जाएगी। कुंभ राशि, आपके परिवार में और समाज में आपका मान इज्जत बहुत बढ़ेगा। अगर बीमार हो, कोई बीमारी चल रही है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह काफी समय से सोच रहे हो कि करवाना है तो इस समय के दौरान हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्दी सेहत में सुधार हो जाएगा। किसी से कोई भी होप ना रखें इस समय के दौरान, किसी से कोई भी इच्छा ना रखें, सिर्फ भगवान पर इच्छा रखें और भगवान ही इस समय के दौरान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब एक लास्ट राशि बची है मीन राशि। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी से अनबन जा सकती है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, रिश्तेदारों से डिप्लोमेटिक वे से डील करें, ऊंची आवाज में किसी भी रिश्तेदार से बात ना करें, वरना लंबे समय तक अगला आपको सुनाएगा कि भाई तूने मेरे साथ बदतमीजी की थी और आपको इसका कोई जवाब नहीं आएगा। अचानक कोई बीमारी दुर्घटना वगैरह हो सकती है या कोई सर्जरी वगैरह करवानी पड़ सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, अगले 45 दिन तक मंडे वाले दिन मंदिर में व्हाइट फ्लावर का दान करना है, चीटा फूल मंदिर में दान नहीं बल्कि भगवान को अर्पण करना है, और चीटी वस्तु है व्हाइट थिंग्स, जैसे चावल हो गए, दूध हो गए, उसका दान करना है। इसके अलावा अगर गरीबों को साबूदाना वगैरह खिला सको या खीर वगैरह खिला सको तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा, कष्टों में न्यूनता आएगी। तो ये तो मेरा आज का वीडियो था चंद्र ग्रहण के ऊपर। अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।